आज अमित शाह की बैटल ऑफ बंगाल का दूसरा राउंड है। कल मिदनापुर से दीदी पर सियासी तीर चलाने के बाद आज अमित शाह बीरभूम में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में बीरभूम पहुंचने वाले हैं, जहां आज उनका रोड शो होना है। उससे पहले अमित शाह शांति निकेतन जाकर रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में भी उनका संबोधन होगा। आज ही वो दिल्ली रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले बीरभूम में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जाहिर एक बार फिर उनके निशाने पर ममता बनर्जी ही होंगी। आज गृह मंत्री अमित शाह का क्या क्या कार्यक्रम है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। आज वो एक रोड शो करने वाले हैं, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है इस रोड शो को भी। और जिस तरीके से कल की तस्वीर हमने देखी, बहुत से टीएमसी के बागी अब बीजेपी का दामन थाम कर बीजेपी की शक्ति बढ़ा रहे हैं। सियासी तीर लगातार बीजेपी की ओर से ममता बनर्जी पर चलाए जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग विश्व भारती विश्वविद्यालय के ठीक सामने हैं और मेरे पीछे वो कैंपस है जहां पर थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और यहां पर लगभग 1.5 घंटे का उनका कार्यक्रम है। सबसे पहले वो रविंद्र भवन में जाएंगे, यहां पर रविंद्रनाथ से जुड़ी चीज़ों को देखेंगे, उनके उपासना गृह में जाएंगे। इसके बाद संगीत भवन जाएंगे, संगीत भवन में एक छोटा सा अमित शाह के लिए प्रोग्राम रखा गया है कल्चरल। और इसके बाद वो बांग्लादेश ऑडिटोरियम जाएंगे, बांग्लादेश भवन, जहाँ पर वो कुछ इन्वाइटेड गेस्ट को संबोधित करेंगे। और ये लगभग 1.5 घंटे का कार्यक्रम है और इस वक्त यहां पर सुरक्षा के इंतजाम आप देख सकते हैं, यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। मीडिया को इसके भीतर अलाउ नहीं किया जा रहा है और इसके भीतर लगभग काफी बड़ी जगह है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है रविंद्र भवन, इसके बाद संगीत भवन, बांग्लादेश ऑडिटोरियम। तो यहां पर 1.5 घंटे का समय बिताने के बाद वो सीधे चले जाएंगे बाउल सिंगर के घर भोजन करने दोपहर का, जो यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है, इस रास्ते में है। और वहाँ दोपहर का भोजन करने के बाद वो जाएंगे रोड शो जो होने वाला है हनुमान मंदिर से चौरंगी तक, वो रोड शो लगभग 1 किलोमीटर का वो करेंगे और उसके बाद वहाँ से वो निकलकर चले जाएंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे और उसके बाद मोहर कुटीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहाँ प्रेस को संबोधित करने के बाद वो सीधे दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। कैमरामैन कुलदीप के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, विश्व भारती। ये 6 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। आज शांति निकेतन का दौरा है और इसके अलावा आपको जानकारी ये भी दे दें कि आज, जैसे हमने कल की तस्वीर देखी थी कि दीदी के गढ़ में उन्होंने हुंकार भरी थी और अच्छा खासा उनका जो काफिला था उसमें टीएमसी के बागी नेता शामिल थे। लगातार एक के बाद एक जुबानी तीर ममता बनर्जी पर चलाए गए थे, उसके बाद आज एक बार फिर से तस्वीर कुछ वैसी ही नजर आएगी। शांति निकेतन से हमारे साथ संवाददाता अनुपम मिश्र जुड़े हुए हैं। अनुपम, सबसे पहले आप जानकारी दीजिए कि आज किन किन कार्यक्रमों का होना है, आज गृह मंत्री कहाँ कहाँ पर जाएंगे और इस वक्त वो कहाँ पर हैं? मीनाक्षी, इस वक्त तो चौपर में है, कोलकाता से चौपर के जरिए बोलपुर आएंगे। बोलपुर में उतरने के बाद वो सीधे आएंगे विश्व भारती कैंपस। ये मैं विश्व भारती कैंपस के ठीक बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, मीडिया को अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है, काफ़ी संख्या में फोर्स दी गई है। और भीतर में मैं कैमरामैन कुलदीप बालियान को बोलूँगा, थोड़ा अगर भीतर दिखा सके तो, काफ़ी सुरक्षाकर्मी आपको भीतर दिखाई देंगे। ये विश्व भारती कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, रविंद्रनाथ टैगोर की कर्मस्थली है ये। और यहाँ पर भीतर में सबसे पहले वो रविंद्र भवन जाएंगे, जो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर रविंद्रनाथ से जुड़ी चीजों को देखेंगे, आकलन करेंगे, उपासना गृह है वहां पर जाएंगे। इसके बाद संगीत भवन जाएंगे, संगीत भवन में एक कल्चरल कार्यक्रम रखा गया है छोटा सा, वो देखने के बाद बांग्लादेश ऑडिटोरियम, बांग्लादेश भवन जो है वहां पर जाएंगे, कुछ इन्वाइटेड गेस्ट है वहां पर, खासतौर पर फैकल्टी जो होती है उनको वो एक छोटा संबोधन वहां पर करेंगे वो। ये लगभग 1.5 घंटे का कार्यक्रम है, 1.5 घंटे का कार्यक्रम यहां से करने के बाद वो निकलेंगे और इसी रास्ते से निकल के वो सीधे चले जाएंगे बाउल सिंगर, उसके घर खाना खाने, दोपहर का भोजन करने। जैसा कि कल भी हमने देखा था कि दोपहर का भोजन उन्होंने एक किसान के घर में किया था, लेकिन आज बाउल सिंगर के घर में भोजन कर रहे हैं। तो ये बाउल सिंगर जो है ये फोक है, लोकगीत है और ये बंगाल के कल्चर से जुड़ने की एक कोशिश है गृह मंत्री अमित शाह की। तो दोपहर का भोजन करने के बाद वो सीधे इसी रास्ते से वापस जाएंगे, यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर से रोड शो शुरू होगा उनका, लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है और चौरंगी तक, जहाँ 1 किलोमीटर का वो रोड करेंगे जिसमें काफी वक्त लगेगा। और इसके बाद वो चले जाएंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे, विश्राम करने के बाद शाम को वो प्रेस को संबोधित करने के बाद अंडाल एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। मीनाक्षी, अनुपम, आप बने रहिए हमारे साथ।
दो दिन के बंगाल दौरे पर अमित शाह दीदी के साथ जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हां, कल उन्होंने मिदनापुर में बड़ी रैली की जिसमें लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस रैली में शुभेंदु अधिकारी समेत करीब दर्जन भर टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हो गए। अब आज अमित शाह रोड शो के जरिए ममता बनर्जी को अपनी ताकत दिखाएंगे। बीरभूम में पीएम का ये रोड शो हनुमान मंदिर बोलपुर चौरास्ता तक होकर निकलेगा। आप देखिए इस रोड शो के पूरी जानकारी हम आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं। बोलपुर में आज गृह मंत्री का रोड शो होना है, अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और ये जो काफिला है वो किन किन इलाकों से होकर गुजरेगा वो जानकारी भी हम आपके सामने रख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। इंडिया टीवी संवाददाता अनुपम मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि इन किन किन रास्तों से होकर ये पूरा काफिला निकलेगा, अगर आप इसके बारे में जानकारी दे सकें। जी देखिए, ये बोलपुर का मुख्य मार्केट है, मुख्य बाजार है, हनुमान मंदिर मुख्य चौराहा है। यहाँ से पहले वो हनुमान मंदिर में पूजा करेंगे, छोटी सी पूजा करने के बाद यहीं से रोड शो शुरू होगा। ज़्यादा लंबा रोड शो नहीं है, किलोमीटर एक से डेढ़ किलोमीटर का सफ़र है इनका। और चौरंगी जो मोड़ है, बोलपुर का बहुत फेमस मोड़ है चौरंगी मोड़, ये बोलपुर बाज़ार का ही हिस्सा आता है। आसपास दुकानें हैं और छोटा सकरा रास्ता है, ज़्यादा चौड़ा रास्ता नहीं है। अगर मैं कहूँ 15 से 20 फीट चौड़ा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस रास्ते में वो रोड शो करेंगे जहाँ पर उनके कार्यकर्ता रहेंगे, जो बीजेपी के आला नेता हैं बंगाल के, वो रहेंगे इनके साथ। और रोड शो का समय काफ़ी दिया गया है, लगभग 2 घंटे का। हालांकि वहाँ के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश है, जब वहाँ की संस्कृति से कनेक्ट होने की कोशिश है तो संस्कृति से कनेक्ट तभी हुआ जा सकता है जब उस इलाके के लोगों से आप अपना संपर्क स्थापित कर पाएं। इसके अलावा बीरभूम में आज अमित शाह का एक और खास कार्यक्रम है। शांति निकेतन से निकलने के बाद आज अमित शाह एक लोक गायक के घर पर लंच करने वाले हैं। इससे पहले कल शाह ने मिदनापुर के बेलीजुरी गांव में एक किसान के घर पर लंच किया था जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रही हैं। और आज एक लोक गायक के घर पर भी लंच का कार्यक्रम है। जो कभी ममता बनर्जी का दाहिना हाथ थे वो कल मिदनापुर की रैली में अमित शाह के साथ दाई ओर बैठे हुए थे। टीएमसी का झंडा थामने वाले शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का झंडा लहरा रहे थे। लेकिन शुभेंदु बीजेपी में अकेले नहीं आए, उनके साथ एक सांसद, 9 MLA, एक एक्स मिनिस्टर, एक MOF, 15 काउंसलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्षों ने बीजेपी का दामन थामा है। टीएमसी में ये अब तक की सबसे बड़ी बगावत है। हालांकि दल बदल संस्कृति कभी पश्चिम बंगाल का अंग नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये पहली मर्तबा देखा गया जब टीएमसी में टूट फूट हो गई है। न सिर्फ टीएमसी बल्कि कांग्रेस और सीपीएम पर भी जबरदस्त स्ट्राइक हुई है। कल बीजेपी में किसकी एंट्री हुई ये भी अब आपको बताते हैं। पूर्वी बर्धमान से ममता के MP सुनील मंडल अब बीजेपी में है। अलीपुर द्वार के पूर्व MP दशरथ तिर्की भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नंदीग्राम के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा नाम है, इसके बारे में हम लगातार आपको जानकारी देते रहे हैं। इसके अलावा वर्धमान के विधायक सैकत पांचा, बैरकपुर से विधायक शीलभद्र दत्ता, गजौले की विधायक वहीं दीपाली विश्वास, नागरकट्टा के विधायक शुक्र मुंडा और कालना के विधायक विश्वजीत कुंडू भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। साथ ही कांथी नॉर्थ के विधायक बनश्री माइती, ये तमाम वो नाम हैं जो अब बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं। इनके अलावा पुरुलिया के कांग्रेस विधायक सुदीप मुखर्जी, तमलुक से CPI के विधायक अशोक डिंडा और हल्दिया से CPM विधायक रही तापसी मंडल भी कमल का हाथ थाम चुकी हैं। कल मिदनापुर में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर था। समर्थकों के सैलाब को देखकर अमित शाह भी जबरदस्त जोश में दिखाई दिए और कार्यकर्ताओं के साथ जय श्री राम के नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, जोर से बोलिए बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, यहां पर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के निश्चय की मुट्ठी बिंचे और मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जय जय श्री राम। तो जय श्री राम का नारा था, जय श्री राम का उद्घोष था, तो साथ ही साथ भ्रष्टाचार और पुलिस व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी पर तीखे हमले भी थे। थोड़ी देर में अमित शाह शांति निकेतन पहुंचने वाले हैं। इंडिया टीवी संवाददाता अनुपम मिश्र और अर्चना सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ी देर बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।